A very warmest welcome to everyone in my YouTube channel. Today we are going to talking about IIFPT entrance examination. The full form of IIFPT, Indian Institute of Food Process Technology. ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ अब हम लोग IIFPT का नाम चेंज हो चुका है, इसको हम लोग निफ्टम तंजावुर तमिलनाडु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आइए आज हम लोग बात करते हैं इसमें जो एमटेक का 3 सीट्स होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो आपका IIFPT होता है ये भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें इन लोगों का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो कैंडिडेट गेट एग्ज़ाम पास किया हो वहीं एलिजिबल है। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि आप हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कीजिए, हम आपको एडमिशन देंगे। तो यहाँ पे इंट्रेंस प्योरली मेरिट बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम पे होता है, ठीक है। जो 70% वेटेज है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम का होता है और जो 30% वेटेज है वो आपके अंडर ग्रेजुएट मार्क्स, जो मतलब जो आपके ग्रेजुएशन का मार्क्स होता है, मतलब जो आपके बीटेक या बीएससी का जो मार्क्स होता है, 4 ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 4 ईयर स्टूडेंट। देयर विल बी नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द 3 ईयर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। जो 3 साल वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका ग्रेजुएशन 3 ईयर वाला है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो 4 ईयर वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एमटेक के आपको जो सीट्स दिए जाते हैं वो ऐसे हैं। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एमटेक है, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी एमटेक है, एमटेक इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इन 3 सीट पे आपको बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग IIFPT के बारे में सबसे अच्छे से जान लें। तो ये IIFPT के डायरेक्टर हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो इनको। और IIFPT में हर एक चीज़ों को अच्छे रूप में भारत सरकार के द्वारा दो भी चीज़ बनाया जाता है। IIFPT में भी बहुत अच्छा मतलब रिसर्च एरिया है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, हर एक चीज़ का अच्छा लेबोरेटरी है, वेल बेस्ड फैसिलिटी है, बढ़िया हॉस्टल है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई होता है, अच्छा प्लेसमेंट भी है। तो आइए अब हम लोग IIFPT के बारे में बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ें IIFPT को लेकर, मैं वहीं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हो IIFPT में जो एल्यूमिनाई होता है, एल्यूमिनाई मीट हुआ है, ये ऐसे दिखाई पड़ता है। एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो जो यहाँ पे हम लोग मेन एमटेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमटेक का प्रोग्राम है, एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। एमटेक फूड टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये 2 साल का, ये भी 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। एमटेक फूड टेक्नोलॉजी इन फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर का है, 4 सेमेस्टर का है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फूड पैकेजिंग सिस्टम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप लोग देख सकते हो ये डिपार्टमेंट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे लेबोरेटरी फैसिलिटी बहुत एक नंबर, बढ़िया वाला लेबोरेटरी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड क्लास टीचिंग लेबोरेटरी है, ठीक है। फूड पैकेजिंग लैब है, फूड केमिस्ट्री सेफ्टी लैब है, बहुत अच्छे लेबोरेटरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई रिसर्च एरिया में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, मैं लेबोरेटरी का पिक्चर भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे डेयरी प्लांट भी दिखाया जा रहा है, फूड प्लांट भी है, बेकरी यूनिट प्लांट भी है, फूड माइक्रोबायोलॉजी प्लांट है, आप लोग देख सकते हो, फ्रूट बेवरेज पायलट प्रोसेसिंग प्लांट है। तो उसके बाद से अब हम लोग बात करते हैं किस किस तरीके से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है और क्या क्या उसका हर एक चीज़ का जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में अब मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इन लोगों का इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन जो रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर, ये बहुत अच्छे टॉप MNCs के साथ हैं, ठीक है। और जो एक्सपोजर होता है इंडस्ट्री का, ये एक अच्छा है। जो भी एमटेक यहाँ के बच्चे किए रहते हैं वो मैक्सिमम बच्चे प्लेस्ड होते हैं, आप लोग देख सकते हो, अच्छे कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं प्लेस्ड कराने के लिए, कैडबरी इंडिया, ये सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। मेन मकसद है मेरा आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताना, बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, खुशी की बात है, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, और सबसे पहली बात आइए ये भी ज़रूरी है आपके बारे में जानना, जब आपका एमटेक का वहाँ एडमिशन हो जाता है तो जो आपके जो टॉप बच्चे हैं जो अच्छा मार्क्स लाते हैं उनको 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। और जो बच्चे गेट क्वालिफाइड होते हैं, मतलब गेट क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं होता है गेट क्वालिफाइड करने के बाद यहाँ एडमिशन हुआ है, वो लोग एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद यहाँ एडमिशन लिए हैं, लेकिन उन बच्चों में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गेट क्वालिफाई किए हुए रहते हैं, तो उनको 10,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग बात कर लेते हैं एमटेक के बारे में। तो आइए, ये रहा एमटेक फूड टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ध्यान से समझिएगा, अब मेन बात होने जा रहा है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन जो होता है ये 2 ईयर्स का है, 4 सेमेस्टर प्रोग्राम है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 12 होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
मेन थिंग. ओके, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 4 ईयर BE/BTECH डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन लाइक फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. ठीक है, और जो CGPA होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, मतलब 7 स्किल तक तो होना चाहिए, तभी अच्छा है. और अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया. सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड अपॉन द मेरिट बेसिस ओनली. रैंकिंग विल बी डन बेस्ड अपॉन अंडर ग्रेजुएट मार्क्स 30% वेटेज एंड IIFPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन 70% वेटेज. ओके, और ये वेटेज हमेशा चेंज होते रहता है. ठीक है, तो ये मिला कर रखिए कि हमेशा 30% वेटेज रहेगा, 70% वेटेज, मतलब आपके UG मार्क्स और PG मार्क्स, PG के एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स दोनों ही बहुत मैंडेटरी हैं. अब हम लोग अगले MTech के बारे में बात करते हैं. जो अगला MTech प्रोवाइड किया जाता है वो है फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे भी 12 सीट्स होते हैं, 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक अच्छा बात बताता हूँ, जो भी BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं या 4 ईयर रिलेटेड डोमेन डिग्री ऑफ एनी फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, साइंस, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस MTech वाले ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं. फूड BSc वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो MTech फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है. बाकी जो 2 MTech है, MTech फूड टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी और MTech फूड टेक्नोलॉजी इन फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा. तो आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं. कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन लाइक फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, फिशरीज इंजीनियरिंग. ओके, और जो CGPA होना चाहिए आपका UG मार्क्स में वो 7-point scale तो होना ही चाहिए. ठीक है, और उसके बाद से सेम थिंग, 30% वेटेज आपका अंडर ग्रेजुएट मार्क्स में होगा वो जरूरी है, और जो 70% वेटेज आपका एंट्रेंस एग्जाम से निकाला जाएगा वो भी जरूरी है. इसके बाद आपका मेरिट बनेगा. ठीक है, अगले MTech के बारे में बात करते हैं. MTech फूड टेक्नोलॉजी इन फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं. ये भी 4 साल का कोर्स है, सॉरी, ये 4 सेमेस्टर्स का कोर्स है, 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, एंड देयर विल बी 12 सीट्स. ओके, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव अ पास्ड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन लाइक फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फूड साइंस न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री विथ प्रोवन नॉलेज इन फूड साइंस. ओके, 7-point scale CGPA आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए. और सिलेक्शन क्राइटेरिया, 30% वेटेज आपके ग्रेजुएशन से लिए जाएंगे और 70% एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लिए जाएंगे. तो टोटल 70+30=100% हो गया. तो इससे आपका मेरिट बेसिस बनेगा. अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो सिलेबस होता है, और उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे. मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम हमेशा ऑफलाइन होता है, कैंपस में ही लिया जाता है, तंजावुर तमिलनाडु में, स्टूडेंट्स को बुला के. ठीक है, तो जो MTech फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी का सिलेबस है वो आप लोग देख सकते हो कैसा है. ठीक है, ऐसा सिलेबस है जो नॉर्मल बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं फूड टेक्नोलॉजी के, उसी सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, टोटल देख लो. उसके बाद मैं MTech और जो फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग है वहाँ पे बस फूड इंजीनियरिंग ऐड हो जाता है, बाकी सिलेबस कॉमन होता है. ठीक है, याद रखिएगा, फूड प्रोसेस MTech इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में बस फूड इंजीनियरिंग इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, अब मैं आपको MTech इन फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस का सिलेबस दिखाऊंगा. दिस इज़ MTech इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिलेबस. ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है. प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी, फूड केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक फॉर द फूड क्वालिटी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉ एंड रेगुलेशंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्रोसेसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, टेक्नोलॉजी ऑफ डेयरी मीट, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फूड पैकेजिंग एंड लेवलिंग. तो ये रहा सिलेबस. ठीक है, और मैंने जैसे कि बोला है जो फूड प्रोसेस MTech फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग BTECH वाले बच्चों, BTECH वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और जो MTech फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी और MTech फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस, ये 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम वाले बच्चे, जैसे BSc 4 ईयर प्रोग्राम हो गया, BSc 4 ईयर कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम हो गया, BSc 4 ईयर न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स वाला जो प्रोग्राम हो गया, ऐसे बच्चों के लिए ये 2 प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है. एंट्रेंस एग्जाम जो निकालेगा उसको सीट्स मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो.